वाह, बारिश हो रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये बारिश आती कहां से है, या ये बादल कैसे बनते हैं? दोस्तों, इसी को तो कहा जाता है वाटर साइकिल। तो चलिए जानते हैं इसे। आ जाइए। जब सूरज नदियों और महासागरों के पानी को गर्म कर देता है तो भाप बनता है और वो हवा में ऊपर उठ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। दोस्तों, ये वाटर साइकिल का पहला चरण है। आप घर पर भी इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बस अपनी माँ से कहिए पानी गर्म करने को। जैसे ही पानी गर्म होता है तो आप भाप को ऊपर उठते हुए आसानी से घर पर देख सकते हैं। जब ये भाप आसमान में पहुंचती है तो ये पानी की नन्नी नन्नी बूंदों में बदल जाती है। पानी की ये बूंदें बहुत सारी गैसों और धूल के कणों के साथ मिलकर बादल बनाती हैं। दोस्तों, इसे कहा जाता है घनीकरण। अब जिस बर्तन में आपने गर्म पानी रखा है उस पर एक ठंडा ढक्कन रखिए। जब आप ढक्कन खोलेंगे थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर पानी की बूंदें होंगी, और दोस्तों यही होता है घनीकरण। दोस्तों, जब बादल ज्यादा भारी हो जाते हैं और अपने अंदर और पानी नहीं रख सकते तो वो फट जाते हैं और उनमें से बारिश, ओले या बर्फ निकलती है, और इसे कहा जाता है अवक्षेपण। जैसे जैसे बारिश होती है पानी इकट्ठा होने लगता है महासागरों, झीलों और नदियों में। ये मिट्टी के जरिए जमीन में भी जाता है और बन जाता है ग्राउंड वाटर। तो दोस्तों, वाटर साइकिल एक तरह की प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण, घनीकरण और अवक्षेपण की। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि पौधे को भी पसीना आता है? उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। इसलिए जहां ज्यादा पेड़ होते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे पहाड़ी इलाके और जंगल। दोस्तों, कई बार बर्फ सीधे ही जल वाष्प में बदल जाती है पानी में पिघले बिना ही। इसे कहते हैं उष्मसाधन, और ये कई ठंडे देशों में होता है। अरे, अब मुझे जाना होगा, फिर से बारिश होने लगी। अब वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।